अपर्णा विष्ट की अगर बात की जाए तो उनका राजनीति से कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। हाँ, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। डिंपल क्या है? योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्य लगाओगे, उनका सरनेम क्या लगाओगे? किनका? डिंपल का? नहीं, डिंपल भी यादव है और अपर्णा भी अभी यादव ही है। तो भाई यादव परिवार क्यों कह रहे हैं? अपर्णा विष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो योगी जी की मुंह बोली बहन है और योगी जी के उनसे पारिवारिक संबंध है। वो मुंह बोली है और डिंपल किस जात से आती है? आती वो भी ठाकुर जाति से है, लेकिन उनका योगी जी से कोई संबंध नहीं है। भाई बात यहाँ पे हो रही है संबंधों की, घरेलू संबंधों की। तो जो मैं बात कर रहा था परिवारवाद की, तो परिवारवाद हर पार्टी में है। जैसे फैमिली बिजनेस होता है, अगर कोई आदमी व्यापार करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो बच्चा आएगा वो भी उसी बिजनेस में जाएगा। तो राजनीति में भी अगर परिवारवाद है और लड़का अगर काबिल है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई पार्टी ये बात कहती है कि मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ और फिर उसके बाद वो पार्टी परिवारवाद करती है तो ये चीज गलत है। परिवारवाद करता है वो बड़ा, हर पार्टी में परिवारवाद है साहब। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नहीं है। समाज पार्टी बहुजन के परिवार से एक आदमी, बहुजन समाज चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन इस समय, लेकिन अब मेरी बात सुनिए, हर पार्टी चुनाव परिवारवाद करती है। सिर्फ मैं मायावती जी की देखिए, एक आदमी का नाम बता, मैं सिर्फ बहन जी की बात नहीं, मैं सिर्फ बहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी पार्टी में जो नेता रहे हैं तो उनके पुत्रों को भी टिकट मिली है। कांग्रेस में जो नेता रहे उनको पुत्रों को भी टिकट मिली, बीजेपी में जो नेता रहे उनको भी पुत्रों को टिकट मिली। तो इस चीज को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बस मेरा जो कहने का मतलब है उस चीज को आप समझिए कि अगर आप जो काम कह रहे हैं तो आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। देश इस समय जाति और धर्म से ऊपर उठ चुका है। कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी में जाने से? अब ये तो आप बेहतर बताएंगे। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव कभी जनता की नेता तो रही नहीं है। उनका जनता के बीच में मुझे नहीं लगता कोई, मतलब जनता के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के नेता थे। और अगर पिछड़ों की राजनीति की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा धड़ा है जो उन्हें अभी भी अपना नाता, दूसरे बेटे की बीबी है। नहीं, बीबी होना और नेता होना दोनों में फर्क है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अगर आप आज की तारीख में जाते हैं तो वो आज भी आपके लिए काम करने को तैयार है। और अपर्णा बिष्ट कभी भी जनता से नहीं मिली है, और अपर्णा यादव कभी भी जनता से नहीं मिली है। और वो नेता नहीं है, वो उनकी राजनीतिक महत्व, उनकी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। देखिए, नेताजी के परिवार से है तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर मीडिया का उनके प्रति। बेटे की बहू है? बिल्कुल, तो परिवार से ही हुई, बहू हो गई ना, पुत्र वधु है। परिवार बहुत कंट्रोल नहीं है यादव जी का, जो नेताजी हैं। अब भाई इस बात का तो जवाब देखो अपर्णा जी ही बेहतर दे सकती है। ये क्या वजह है परिवार में चुनाव से पहले ऐसा कुछ होता है? ये सिंपैथी गेन करने के लिए करते हैं? देखिए, ये सब ऐसा है, ये चाचा बाहर हो जाते हैं, अब बहू बाहर हो गई है, ये सिर्फ मीडिया द्वारा जो मुद्दों से भटकाने की साजिश है। मीडिया जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को नहीं चला रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस समय 20 से ज्यादा विधायक टूट के अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो पिछड़ों और दलितों की जो साथ अनदेखी की है तो उससे कई नेता और कई विधायक टूट के, क्या सहयोग करा दलितों के लिए बताना जरा, क्या काम करा समाजवादियों ने? समाजवादी पार्टी हर वर्ग को साथ लेके चली है, क्या करा? उनकी सरकार रही है पहले से। हर वर्ग को, हर जाति को साथ लेके, अरे सारे काम भाई समाजवादी पार्टी, पिछली जो भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, भाई मैं सपा का प्रवक्ता तो हूँ नहीं जो मैं आपको समाजवादी पार्टी के बारे में बताऊँ। मेरा देखिए सीधा विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी मजबूती से काम करेगी मेरा उसे समर्थन रहेगा, ठीक है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के तो साथ में काम कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता की पार्टी की बी पार्टी है। भाई ये बात एक चीज देख लो, ओबीसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है, वो कभी बीजेपी की तो बात ही नहीं करते हैं। आपको बताते हैं नहीं, नहीं साहब, नागनाथ हो, मैं जहां तक मानता हूं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, इनकी जो मूल विचारधारा है वो देश के आम नागरिक को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया, लोग चक्कर में आप जाते रहे हर जगह। लोग तो देखिए, अब सुन लीजिए, लोग तो कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता ने पिछले 7 साल में देख लिया है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या किया था, जिसको
पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बेच रही है। 16 से ज़्यादा जो सरकारी कंपनियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी उनका निजीकरण कर चुकी है, और किसानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर देख लिया है कि कांग्रेस बेहतर थी या भाजपा बेहतर है। नहीं, जनता समझ गई है। जनता क्या है, जनता भोली होती है, और जनता से आप जैसे बहकावे में आकर उनको ले आओ तो वैसे आ जाती है। लेकिन जनता अब समझ गई है। इस समय आप बिजली के बिल देखो, बिजली कितनी महंगी हो गई है। ठीक है, राहुल गांधी ने तंज कसा है पीएम मोदी पर कि पेंगोंग में जो पुल बना रहा है ना चाइना, उसका उद्घाटन करने जाएंगे क्या मोदी जी चाइना के पुल का? अब भाई देखिए, अगर मोदी जी की चाइना की नीति पे बात की जाए तो मोदी जी इतना तो कर सकते हैं कि जितनी चाइनीज ऐप हैं उन्हें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन चाइना ने जो 21 गांव यहाँ बसा लिए उस पर मोदी जी बात नहीं कर सकते। मोदी जी बात कर सकते हैं पाकिस्तान पे, पीओके पे, लेकिन जो चाइना ने जो जो काम कर रहे हैं, जितना भी चाइनीज माल का जितना भी निर्यात हो रहा है उस पर मोदी जी बात नहीं कर सकते। मोदी जी आँख सिर्फ कांग्रेस को दिखा सकते हैं, आँख सिर्फ विपक्षी दलों को दिखा सकते हैं, सड़क पर मरने के लिए सिर्फ किसानों को छोड़ सकते हैं, लेकिन चाइना के लिए वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मोदी जी खुद चाइना की चटाई पर बैठ के योगा करने वाले हैं। तो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ पूरी देश की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में मोदी जी को वो जवाब मिल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वो बातचीत कर रहे थे, लोग मजाक ले रहे हैं उनका। भाई देखिए, ऐसा है, एक प्रधानमंत्री होना और एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना, एक समझदार प्रधानमंत्री होने में फर्क है। जब यहाँ देश की जनता को मूर्ख बनाने की बात आती है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी माहिर हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर उनको जानकारी नहीं है। बेहतर यही होता कि किसी वो सलाहकार या विश्लेषक को साथ में रख के बात करते तो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन कल जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की निष्ठा को और हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंची है, और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो अंदरूनी मसले हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि धूमिल हुई है, तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं विचार करना होगा, सोचना होगा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो टेलीप्रॉम्प्टर से तो बढ़िया है आप एक विशेषज्ञ अपने साथ रखो, और विशेषज्ञ की सलाह, भाई विशेषज्ञ बोल देगा ऐसी कौन सी आफत आ रही। जैसे पहले भी ऐसा होता था कि किसी दूसरे देश में जाते थे तो जो द्विभाषी होते थे या द्यूत, जो राजद्यूत बोलते हैं, वो राजद्यूत बात करते थे, तो मैं इसमें बुराई नहीं मानता हूं, बजाय इसके कि अपनी बेइज्जती करवाओ। तो ये कदम जो प्रधानमंत्री जी का है टेलीप्रॉम्प्टर वाला, ये कदम गलत है। प्रधानमंत्री जी को हर विषय का विशेषज्ञ अपने साथ रखना चाहिए और उसको अपने साथ में पूरा मौका देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी किसी को आगे रखना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की आदत है अकेले आने की और अपनी फोटो खिंचवाने की। टेक्निकल मिस्टेक है प्रधानमंत्री क्या? हाँ तो ठीक है, टेक्निकल मिस्टेक है, मैं भी कौन सा कह रहा हूँ कि भाई मिस्टेक, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मजाक किसी ने नहीं बनाया, बस सच्चाई बाहर आई है, हमारे लिए भी दुख की बात है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, अपने साथ एक विशेषज्ञ वो रखें। जो लोग ऑपरेट कर रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर को, उनका क्या हुआ होगा? अब उनका तो आप बेहतर बता सकते हैं क्या होगा, बेचारे नौकरी से जाएंगे। इससे पहले भी एक दो बार घटनाएं हुई हैं, कई मीडिया वालों से कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो आप ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, नहीं आते मीडिया के सामने, ये तो साफ बेहतर बात है, ये सभी लोग जानते हैं। पिछले 7 साल से मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। 19 के चुनाव से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अमित शाह जी जवाब दे रहे थे, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे थे। मोदी जी सिर्फ इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं करते हैं क्योंकि वो जो रैंडमली जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उन सवाल का वो जवाब नहीं दे सकते हैं, उनके जितने भी भाषण होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। विदेश तो कई बार चले जाते हैं। विदेश जाना से तो आप भी विदेश जा सकते हैं, आप भी यात्राएं कर सकते हैं। यात्राएं करना अलग बात है, राजनीतिक समझ रखना अलग बात है, झूठ बोलना अलग बात है। झूठ बोलने में हमारे प्रधानमंत्री जी माहिर हैं, पूरे 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, देश के हर तबके को वो छलते रहे हैं, हर तबके के साथ वो झूठ फरेब की के काम करते रहे हैं। अब जनता इनकी चीज़ों को धीरे धीरे समझ रही है। एक दिन पहले सवाल क्या था कि मोदी जी टेलीप्रिंटर के सहारे बोलते हैं और उनकी बात सच हुई,
देखिए राहुल गांधी जी ने पिछले 2-3 साल में या फिर मैं कह लूँ 6 साल में जो जो बातें कही हैं वो सारी सच हुई। नोटबंदी की बात उन्होंने कही थी कि जीडीपी डाउन होगी, वो भी सच रही। जीत तो नहीं पाते। जीएसटी की बात कही थी, वो भी बात सच हुई। उसके बाद किसान आंदोलन के लिए भी कहा था कि तीनों कानून गलत है, वो भी बात सच हुई। कोरोना के लिए भी कहा था कि पासपोर्ट वाली बीमारी है, अगर ये राशन कार्ड तक आ गई तो देश को दिक्कत होगी, वो भी बात उनकी सच हुई। जीत इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे देश की जनता को झूठ और फरेब पसंद है। हमारे देश की जनता को जो डायरेक्टली कड़वा सच है वो पसंद नहीं है। और राहुल गांधी जी के अंदर कहीं ना कहीं वो अभिनय क्षमता नहीं है कि वो देश की जनता के साथ झूठ बोल सकें, उनके साथ छल कर सकें।